मेरठ के फफूंडा गांव की नाबालिग छात्रा ने अपने वीडियो वायरल के बाद खुदकुशी करने की घटना के बाद कहीं ना कहीं लोगों में आक्रोश है। इसी कड़ी में आज अंकित शर्मा, राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी, वरिष्ठ अधिवक्ता देवकरण शर्मा के नेतृत्व में ब्राह्मण समाज के लोग पीड़ित परिवार से उनके घर मिलने पहुंचे और परिवार को सांत्वना दी। साथ ही पीड़िता का केस लड़ने के लिए वकीलों ने भी उनके परिवार से कहा है कि वो उनका मुकदमा निःशुल्क लड़ेंगे और इंसाफ दिलाएंगे। पीड़िता के गांव के लोगों ने बताया कि घटना को 15 दिन से ऊपर हो गए हैं, पर अभी तक 4 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है, जबकि इस पूरे मामले में झोटा गैंग शामिल है और करीब 30 से 35 लोग इसमें शामिल हैं। उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया और सत्ताधारी लोगों ने बचाने का काम कर रहा है। देखिए, एक हमारी बेटी जो कि नाबालिग थी, कक्षा 11वीं की छात्रा थी, उसके साथ रेप किया गया और वो बेचारी बच्ची अभी क्योंकि नाबालिग थी, उसके साथ कम से कम 25 से 30 लोगों ने रेप किया और इतनी दरिंदगी की कि उस लड़की ने आत्महत्या करने पे मजबूर हुई और उसने आत्महत्या की। ये वीडियो भी सोशल मीडिया पे, हाँ, जब वीडियो वायरल हुआ, क्योंकि वो लड़की अपने माँ बाप से नहीं चाहती थी कि ये बात उन तक पहुँचे, क्योंकि माँ बाप तक बात पहुँचती तो बहुत ज़्यादा बढ़ सकती थी। उस लड़की का जब वीडियो उन लड़कों ने वायरल कर दिया और उसके बाद भी उसका उत्पीड़न किया गया, जब उस लड़की ने फंदा लगा के खुदकुशी कर ली। तो परिवार वालों से आप मिलने आए हो, क्या आश्वासन दिया है आपने? देखिए, कल हम लोग पूरे अपने समाज को लेकर के पहले हम SSP के यहाँ जाएंगे और हमने एक दरख्वास्त हम पहले SSP को देंगे और उस पर हम समय उनसे निश्चित करेंगे कि क्योंकि इस कांड को 24 सितंबर को ये कांड हुआ है और आज 6 तारीख है, तो हम ये उनसे निश्चित करके उठेंगे कल कि आप ये बताइए कि आखिर कितना समय और पुलिस प्रशासन इसका खुलासा करने में लेगा, और ये भी स्पष्ट कीजिए कि अब तक इस पे कार्रवाई जिस तरीके से हो जानी चाहिए थी, अगर और कोई, मैंने पहले भी अपने वक्तव्य में कहा था कि इसकी जगह, ब्राह्मण समाज की जगह अगर और कोई बिरादरी होती तो शायद अब तक टांग में गोली भी लग गई होती, शायद अब तक FIR भी दर्ज हो गई होती और बुलडोज़र भी चल गया होता, लेकिन उस बच्ची के लिए, उस बच्ची ने ऐसा क्या किया था जो उसके साथ ये अन्याय इन लोगों ने किया? क्या मान के चल रहे हैं आप इसमें, किसका प्रेशर है पुलिस कार्रवाई नहीं करती? देखिए, निश्चित तौर पर मैं कह के चलूँगा कि इसमें कहीं ना कहीं सरकार का प्रेशर है, लोकल नेताओं का प्रेशर है, जो अन्य बिरादरी के नेता हैं उनका प्रेशर है, वो उनको संरक्षण देते रहे हैं, अन्यथा मैं नहीं मानता कि पुलिस पिछले 12-13 दिनों में खुलासा ना कर पाए। पुलिस फोर्स तो ऐसी फोर्स है कि 24 घंटे में पाताल लोक से भी निकाल के ले आती है। आगे की रणनीति क्या रहेगी? रणनीति सीधी सी है, कल हम पहले SSP से मिलेंगे, फिर ADG से मिलेंगे, दोनों से हम समय की मांग रखेंगे और वो समय की मांग की म्याद जो है वो 24 से 48 घंटे की रखी जाएगी। अगर इस समय में खुलासा नहीं होता है तो एक बहुत बड़ा जन आंदोलन, और जब तक इस लड़की को न्याय नहीं मिल जाएगा यह आंदोलन खत्म नहीं होने वाला है। बड़ा आनंद होगा।